अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया जिनमें कौन कौन है आदरणीय धर्मदास साहिब जी आदरणीय मलुकदास साहिब जी आदरणीय नानक साहिब जी आदरणीय दादू साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोडानी जिला दुद्धर हरियाणा वाले और आदरणीय घीसादास साहेब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ वाले उत्तर प्रदेश वाले इन महापुरुषों की वाणी इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप ये सभी काम करते थे गृहस्थी थे बाल बच्चेदार थे अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं सातवें दे के अठारवें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुतम गति में सचित है इसी में रह गई है नहीं वेद तो ये चुनक ऋषि था इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं पहले बैठते हैं ओम नाम का जाप शुरू करते हैं उच्चारण करते करते फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हठ योग करते रहते हैं साथ में योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए चैनल जैसे टीवी में होते मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं जिसका वो चैनल ऑन हो गया और दूसरा स्वाद चक्र है उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं फिर नाभि कमल है नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं वहाँ के हो रहा है जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है दूरबीन इसकी वहां लग गई हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैक बोन के अंदर की तरफ तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है कमल है और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है और कंठ कमल में यहां पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहां आप कंठ कमल में देख सकते और सहसरार कमल के अंदर इस काल भगवान के बन्म लोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं तो इन ऋषियों का क्या होता था ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं जैसे आप जी अब सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से इनकी कमाई से फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है भगवान पाने से ही लाभ होता है उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं लेकिन आपने ये देखने नहीं है देखने से फिर क्या होगा आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है वो कर्जा उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जा और चार्ज लेता रहे हमारे से क्या फायदा हुआ वहां का जाने का वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा सारा काल सब कुछ देगा आपको जैसा कर्म है वो देगा इज तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है कमल खुल जाता है उनका उसमें वो देखते रहते हैं ऊपर के नजारे देखते रहते हैं जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में और तीन घंटे ऐसे जाते जैसे तीन मिनट अब बताओ कैसा तीन घंटे अब बैठ कर देखो कितने इंतजार करो किसी बस की तीन मिनट भी भारा हो जाती है आप शिविर करने लगते हो मन इधर भागता है वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके सारे कार्य वो कर ले वो नींद किया वो रह गया एक पांच मिनट भी ढंग से नहीं ये सेट होता लेकिन हो जाएगा अभ्यास से हो जाएगा ये ना सोचना कि होगा नहीं लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। और फिर ये ऐसे बैठकर कर आधार वर्ष कैसे बैठा दे इनको सौ सौ वर्ष बैठे रहिए तो वह ऐसे बैठते थे यहां से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं अंतर्मुखी हो गए वहां देख कर सिनेमा इस शरीर में उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक के अधिकारी बन जाते हैं और यहां का विधान इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे दोनों आपको भोगने पड़ेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की सत भक्ति सतनाम से करके दो अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं सर्वपुरुष अक्षर पुरुष अक सर श्री बिरगुण श्री विष्णु सत्गुण और श्री शिवजी तम गुण ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते ये तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्कडंड देते हैं अब फिर यहां प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक तो बैठे रहे इनकी कुछ सिद्धियां बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए